नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? मैं चौधरी हिना बहन नालंदा पाठशाला में नए शैक्षणिक वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी में वर्णमाला के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, वर्णमाला आप सबको पता ही होगा। वर्णमाला यानी क्या है? मूलाक्षर। वर्णमाला को क्या कहते हैं? मूलाक्षर भी कहा जाता है। बच्चों, वर्ण, वर्ण यानी होता है अक्षर। जब अकेला स्वर और व्यंजन को वर्ण कहा जाता है। वर्ण यानी बच्चों क्या होता है? अक्षर होता है। जब अकेला स्वर और व्यंजन को वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल मिलाकर बच्चों वर्णों की संख्या जो है वो 47 है। हिंदी में कुल मिलाकर वर्णों की संख्या बच्चों कितनी है? तो 47 है। तो बच्चों वर्णमाला यानी मूलाक्षर, उसके बारे में जान लिया। तो यहाँ वर्णमाला जो है तो वर्णों की संख्या 47 है, लेकिन उसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग है। तो बच्चों स्वर, स्वर किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जिसका उच्चारण अपने आप होता है, जिसका उच्चारण अपने आप होता है, ऐसे वर्ण के मूल आवाज़ को स्वर कहा जाता है। जिसका उच्चारण अपने आप होता है, ऐसे वर्ण जो है अक्षर है, इस मूल आवाज़ को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहा जाता है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 13 है। स्वर कितने हैं बच्चों? हिंदी में 13 है। कौन कौन से है? तो स्वर है अ, आ, ई, ई, उ, रु, ए, ओ, औ, अम, अहा। तो बच्चों ये 13 स्वर है। लेकिन बच्चों यहाँ बता देती हूँ कि अ जो है, अ बोलते समय यहाँ जो है स्वर यानि अक्षर अकेला है अ। यहाँ अ के बाद आ, जब हम आ वर्ण यानि अक्षर बोलते हैं, इसी समय उसका उच्चारण जो है वो ऊंचा होता है। यानि अ, अ बोलने से उसका उच्चारण इतना ऊंचा नहीं होता है, आ बोलने से उसका उच्चारण जो है वो कैसा हो जाता है बच्चों? ऊंचा हो जाता है। उसके बाद ई और ई। तो बच्चों यहाँ दो ई बताए गए हैं, लेकिन जब हम ई बोलते हैं तो ये ई और ई ये उच्चारण करते समय ऊंचा उच्चारण होता है, लेकिन ई बोलते हैं बच्चों तो ई जो है वो छोटा है और य ई जो है वो कैसा है? बड़ा है। इसी प्रकार ऊ छोटा है और ऊ वो कैसा है? बड़ा है। आगे आता है बच्चों रु। जब बच्चों हम रु का उच्चारण करते हैं तो रु, रु में क्या है? अ, और का भी उच्चारण हो जाता है रु। आगे ए, ए छोटा है, ए का उच्चारण ऊंचा होता है। इसी प्रकार ओ का उच्चारण नीचा होता है, ओ का उच्चारण ऊंचा होता है। उसके बाद अम, अनुस्वर जो लगता है तो बच्चों अम होता है, वहाँ अनुस्वर जो दो लगते हैं तो इसी
यहाँ अम कहा जाता है और उससे कहा जाता है अहा। तो बच्चों इसके ये जो 13 स्वर है, ये 13 स्वर के बारे में हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि कौन कौन से हिंदी में 13 स्वर है। तो अ आ ई ई उ उ रु ए ए ओ औ अम अहा। तो बच्चों ये हुआ स्वर, आपको समझ में आ गया होगा 13 स्वर के बारे में। उसके बाद है बच्चों व्यंजन। तो व्यंजन सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो बच्चों जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की जरूरत होती है, जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की जरूरत होती है, ऐसे वर्ण के आवाज को व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में कुल मिलाकर व्यंजनों कितने हैं बच्चों? तो 34 है। हिंदी में स्वर 13 है और व्यंजन जो है वो 34 है, और कुल मिलाकर 46 जो है वो वर्ण है हिंदी में। व्यंजन के बारे में एक बार फिर से बता देती है बच्चों कि जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की जरूरत होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ कि क, बच्चों मेरे साथ आप भी बोलिए क, उसके बाद ख। तो यहाँ क जब हम उच्चारण करते हैं, आप भी बच्चों मेरे साथ बोलिए तो आपको पता चल जाएगा कि क ख। तो इस वर्ण का उच्चारण करते समय यह क के साथ अस्वर का भी क्या हो जाता है? उच्चारण होता है क और ख। तो बच्चों यहाँ क्या है व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की जरूरत होती है, इससे वर्ण होते हैं, इस वर्ण के आवाज़ को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ 34 व्यंजन दिए गए हैं। यहाँ है क ख ग घ च छ ज छ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह श त्र न। तो बच्चों ये हुआ व्यंजन। जब बच्चों हम बोलते हैं मेरे साथ आप भी बोलिए, तो इसमें क ख ग घ च छ ज झ सब में क्या आता है? सब वर्ण में व्यंजन के साथ स्वरों की जरूरत होती है, यानी अ का उच्चारण होता है। तो ऐसे जो वर्ण है उसे कहा जाता है व्यंजन। बच्चों सबसे पहले तो यह हमें जान लेना चाहिए कि किस प्रकार हिंदी में वर्णमाला लिख सकती है। तो लिखते समय ध्यान रखिए कि यहाँ जो है क, यहाँ बच्चों हम क देख सकते हैं, तो क जो है वो आधा लटक रहा है। यहाँ हिंदी
विषय में खास ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय खास शिरोरेखा ऊपर होनी चाहिए, शिरोरेखा आवश्यक है। तो यहाँ क जो है वो क आधा लटक रहा है, यहाँ ख इस प्रकार लिख सकते हैं, ग यहाँ, घ उसके बाद, च छ, ज झ, ट यहाँ है ठ, ड और ढ। बच्चों यहाँ देखो ट के बाद आता है ठ, तो यह पूरा ठ में क्या है तो पूरा गोला किया गया है, और यहाँ ड के बाद ढ जो है तो ढ में क्या है आधा गोला है। यानी बच्चों लिखते समय खास ध्यान रखना कि ट के बाद ठ जो है वो पूरी तरह से इस प्रकार लिखना, और ड के बाद ढ जो आता है तो इस प्रकार यह लिखना है। आगे है कि ण त ठ द उसके बाद ध। तो बच्चों ग के बाद घ और द के बाद ध, ये लिखते समय बच्चों हमें यह ध्यान रखना कि ग के बाद जो घ आता है तो घ इस प्रकार लिखा जाता है, यानी शिरोरेखा के साथ पूरी तरह से इस प्रकार लिख सकते हैं, और यह घ जो है यहाँ आधा जो है वो गोला करके इस प्रकार लिखा जाता है। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ घ ग के बाद घ जो है यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं, और द के बाद जो ध आते हैं तो इसी प्रकार गोला करके यह जो ध लिख सकते हैं, यह ध्यान रखना। उसके बाद न यहाँ प, तो शिरोरेखा के साथ ही जुड़कर ही यह प लिख सकते हैं इसी प्रकार, बाद में आता है फ। तो यहाँ बच्चों पहले क है और यहाँ फ है, हमें तो ये देखकर ऐसा ही लगता है कि वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ क जो है वो आधा लटक रहा है, यहाँ क जो है वो शिरोरेखा के साथ नहीं लगा हुआ है, और यहाँ फ जो है वो शिरोरेखा के साथ ही यहाँ लटक रहा है, वो आधा लटकता नहीं दिखाई देता, क आधा लटक रहा है। तो बच्चों इसी प्रकार जब हम क और फ लिखते हैं तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे है ब यहाँ भ, उसके बाद म यहाँ है य। बच्चों प इस प्रकार लिख सकते हैं, य जो है वो इस प्रकार लिख सकते हैं, प सीधा है और य जो है वो आगे से थोड़ा झुका हुआ होता है, ये ध्यान रखना। आगे है र आगे ल। बच्चों र लिखते समय नीचे जो है वो नीचे खास ध्यान रखना, र जो है इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नीचे पूरे पूरा नहीं करना है। वहाँ आगे है ल आगे व उसके बाद स आगे है श, श आगे श, ह क्ष त्र आगे अंत में न। तो बच्चों ये हुआ है 34 व्यंजन। ऐसे तो बच्चों हम पहले से ही हिंदी के वर्णमाला के बारे में पढ़ते ही आते हैं, लेकिन फिर भी वर्णमाला क्या उसके बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए कि वर्णमाला यानी बच्चों किसी भी समय आपको कोई पूछे तो यह भी याद रखना चाहिए, वर्णमाला किसे कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में वर्णमाला को क्या कहते हैं, और तो मूलाक्षर भी कहते हैं। वर्ण यानी क्या होता है बच्चों, तो वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ण किसे कहा जाता है तो अकेला स्वर और व्यंजन होता है उससे क्या कहा जाता है बच्चों, वर्ण कहा जाता है। और ऐसा प्रश्न हो कि हिंदी में कुल मिलाकर वर्णों कितने हैं, तो बच्चों हिंदी में याद रखना कुल मिलाकर वर्णमाला 47 है। और स्वर किसे कहा जाता है तो जिसका उच्चारण जो है बच्चों अपने आप होता है उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी में कितने
स्वर है तो हिंदी में कुल 13 स्वर है। कौन कौन से है बच्चों? तो अ आ ई ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अहां। बच्चों थोड़ी सी बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन जब यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए कि दिक्कत नहीं होगी। क्या है? अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अहां। बार बार बच्चों बोलते रहेंगे तो हमें ये स्वर व्यंजन सीखने में दिक्कत नहीं होगी, बोलने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है व्यंजन। तो बच्चों व्यंजन हम किसे कहते हैं? तो हमने देख लिया कि जिसका उच्चारण करते हैं, तो इस समय हमें किसकी ज़रूरत होती है? स्वरों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में कुल मिलाकर व्यंजन कितने हैं बच्चों? 34 है। कौन कौन से? तो क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र न। तो ये क्या हुआ? व्यंजन। तो बच्चों हमने यह वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम हिंदी में गिनती के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों गिनती वो भी हम पहले से सीख कर ही आए हैं गिनती। तो हिंदी में 1 से लेकर 100 तक गिनती जो है, इस गिनती के बारे में अब हम अभ्यास करेंगे। यह सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक की गिनती दी है। तो बच्चों यहाँ गिनती जो है, तो हिंदी में किस प्रकार अंक लिख सकते हैं ये खास ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में यहाँ अंक किस प्रकार लिख सकते हैं ये लिखा हुआ है, और सामने जो है वो बच्चों क्या है कि हिंदी में उसे शब्द में किस प्रकार लिख सकते हैं ये भी दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ एक यहाँ अंक है और यहाँ हिंदी में शब्द है। दो, बच्चों मेरे साथ आप भी बोलते जाइए। तीन, यहाँ चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बच्चों 1 से लेकर 50 तक की गिनती जो है, वो गिनती तो हम सबको आती ही है, लेकिन आगे जो है वो 51 से लेकर 100 तक की गिनती है, वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ है 51, आगे 52, 53, 54,
पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्नासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे इक्यानबे बयानबे तिरानबे चौरानबे पचानबे छियानबे सतानबे अठानबे निन्यानबे सौ। बच्चों ये हुई एक से लेकर सौ तक की गिनती। पहले तो बच्चों जब हम सीखते हैं तो इस समय हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बार बार ये गिनती बोलने से लिखने से ये गिनती जो है वो सीखने कैसी हो जाती है, आसान हो जाती है। तो बच्चों हमने जो ये हिंदी में वर्णमाला वर्णमाला यानि मूलाक्षर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और कितने वर्णमाला है और एक से लेकर सौ तक की जो गिनती है वो अंक और शब्द से हिंदी में अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों यह वर्णमाला स्वर व्यंजन और एक से लेकर सौ तक की गिनती शब्द सहित अपने नोटबुक में लिखना और उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।